हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज एक स्पेशल एपिसोड है हम सबके लिए, बिकॉज आज हम हैं नागपुर के सफ़र पे। नागपुर जहाँ पे वेर आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, एक अलग ही कल्चर कैरी करता है नागपुर। एक उसकी अलग ही ऑरा होती है, अलग ही एनर्जी होती है। सुबह उठते हैं 4 बजे से शुरुआत हो जाती है, और सबसे पहले चीज़ जो एक नागपुरी को चाहिए वो होता है उसका तर्री पोहा, अ प्लेट ऑफ तर्री पोहा, जो उसको एनर्जी से भर देता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि नागपुर वालों के जो रगों रगों में होते हैं वो खून के बजाय तर्री दौड़ती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक जो मैजिक है, जो एक कनेक्शन है नागपुर वालों का तर्री पोहे से, विच यू कैन से इज़ द सिटीज डिश, और वो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है पूरे थ्रू आउट द इंडिया। पीपल आर क्लेमिंग कि हमें तर्री पोहे खाने हैं। लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड से कि सर अभी एक बार आप आ देते हो, इफ़ यू कैन जस्ट डू वन थिंग, आप हमें तर्री पोहे बता दीजिए। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, वो आज हम पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तर्री पोहे से। अब तर्री पोहे के लिए सबसे इंटीग्रल पार्ट होती है तर्री, बट नंदलेस हम पहले सबसे पहले जो पोहे होते हैं उसका एक बार ट्रे देख लेते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पोहे वाली रेसिपी। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसमें जो एक जो जनरली जाते हैं पोहे में, वैसे हमारे पास पोटैटोज है, थोड़ा सा नारियल है, सेंगदाने हैं, मटर है, हमारे पास प्याज है, बहुत सारी जो चीज़ें जो नॉर्मली जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम जो ये हमारे मोटे पोहे होते हैं इनको हम भिगो लेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद द तर्री। नमस्ते सुजीत जी, थैंक यू अपर्णा जी। यस इंडीड, इट्स अ वेरी स्पेशल डिश। और नागपुर वालों के लिए तो क्या होता है ना कि तर्री पोहे के सिवा शुरुआत ही नहीं होती है। और जो नागपुर के लोग जाते हैं बाहर, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं या फिर आउट ऑफ नागपुर जाते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट दे डू जैसे ही वो नागपुर में आते हैं कि वो एक गर्मा गर्म ऐसा एक प्लेट तर्री पोहा खाना चाहते हैं। तो मैंने ठान लिया था कि ये सिखाना है। अच्छा, तो देखिए, मैंने सबसे पहले तो मेरे पोहे भिगोने को रख दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम तर्री की शुरुआत करेंगे। अब तर्री होता क्या है, मैं आपको एकदम ब्रीफ में बहुत सिंपल वे से समझा देता हूँ। तर्री होता है एक स्पाइसी मिक्सचर, इसमें लेंटिल्स जाते हैं, बहुत स्पाइसी होता है, जो पोहे को कॉम्प्लीमेंट करता है। राइट, तो जैसे पोहे होते हैं थोड़े माइल्ड, थोड़े टेस्टी, थोड़ा फ्लेवरफुल, वही होती है तर्री हमारी, जो फ्लेवरफुल तो होती ही है बट तीखी होती है, आपको सुबह सुबह उठा देती है नींद से। सो दैट इज नागपुरी तर्री पोहा। तो इसके लिए हम तर्री कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज I'll get myself a pan. और अभी अब ध्यान रखिए, ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड शुरुआत में लग सकती है, बट देन दिस इज नॉट। सबसे पहले आप पैन को गर्म कर लेंगे। सुजीत जी, सिंग विल गेट टू सी द मैजिक ऑफ योर मैजिकल हैंड्स अगेन। थैंक यू सुजीत जी, इट वुड बी अ प्लेजर। ये हमेशा एक एक्चुअल प्लेजर ही होता है कि आप जैसे लोग जो एंथुजियास्टिकली आते हैं मेरी रेसिपीज देखने को। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे पैन को गर्म होने को रख रहे हैं, और आपने ये देख लिया, दिस इज़ माय ट्रे फॉर क्रिएटिंग द मोस्ट परफेक्ट एंड द मोस्ट मैजिकल तर्री। अब तर्री मैंने जैसे कहा था स्पाइसी होती है, बट उसमें कलर्स का भी बहुत अच्छा खेल होता है। आपको लाल कलर की तर्री ही मिलेगी, अगर आपको सच्ची ऑथेंटिक तर्री देखनी है तो आपको लाल या फिर काली कलर की तर्री की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज यही टाइप की तर्री जो होती है ना, दैट इज़ द मोस्ट परफेक्ट तर्री। बहुत पानीदार नहीं होनी चाहिए, और तर्री का बाय इटसेल्फ मतलब क्या होता है कि जो आपका जो करी होता है उसके ऊपर ना थोड़ा तेल की एक लेयर तैरती है, जो सब विच इज़ सपोज टू बी वेरी स्पाइसी। तो वो जो तेल की लेयर होती है उसको हम नागपुर में तर्री कहते हैं। राइट, तो ये तर्री पोहा के लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर, थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल लगेगा आपको, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू शालिनी जी, हाय। तो देखिए अभी तेल को हमने गरम होने को रख दिया है, और ये जो चीज़ है ना इसको बहुत इत्मीनान से बहुत पेशेंटली हमें करना है, बिकॉज क्या होता है कि तेल का टेम्परेचर अगर सही नहीं होगा और इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाते हैं तो कभी कभी वो रेसिपी वो एक फ्लेवर रिलीज नहीं करेगी। तो इसलिए हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे यहाँ पे,
एंड ये रेसिपी के एंड में, एट द एंड ऑफ दिस रेसिपी, आप सब लोग थ्रू आउट द इंडिया जो भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं सबको समझ में आ जाएगा कि नागपुरी तर्री पोहे में क्या अलग होता है जो जो इंडिया भर के पोहों में कभी नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोहे के साथ बहुत लोग कुछ कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, बट जो नागपुर का एक जो मैजिक होता है, नागपुर का एक मैजिकल टच होता है, तो वो क्यों आता है और वो क्यों बहुत एसेंशियल है आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के हिसाब से, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ आई सी माई ऑयल हैज़ हीटन अप। सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूंगा थोड़ी सी राई, सुचित्रा जी सेज हेलो शेफ। हेलो सुचित्रा जी, अमेजिंग, आपकी राई तड़क जाती है, फिर आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेज पत्ता। अब तेज पत्ते के साथ आप क्या करेंगे, नाउ दिस इज परफेक्टली ऑप्शनल, अगर आपको डालना है तो ही आप इसमें खसखस डालिए, जनरली खसखस जाती है, बट मेरे पास ऑलरेडी प्री मेड मेरा जो एक साउजी मसाला होता है जो हम नागपुर में बहुत यूज़ करते हैं वो बना हुआ है, बट फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि बस थोड़ी सी आप खसखस डाल देंगे। जैसे ही आपने खसखस डाल दी उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन। हेलो नसीम जी, आफ्टर यू हैव एडेड द गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर जाएगा इसमें, और ये इस स्टेज पे डाल रहे कि जिससे इसका रॉ अरोमा या फिर रॉ टेस्ट नहीं लगेगा, दिस वुड बी कम्प्लीटली मिक्स्ड अप। आपने ये ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें चिलीज, वाओ। देखिए क्या होता है पता है क्या, जैसे ही आप इसमें रॉ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना तेल में, वो कुक होने के बाद एक खुद का अलग ही अरोमा रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उनका जो एक रॉ टेक्सचर है वो तो निकल ही जाता है, बट एट द सेम टाइम वो एक अरोमा पूरे आपके करी में रिलीज़ कर देते हैं। ये सब होने के बाद फिर हम डालेंगे सबसे आखिर में इसमें हमारे अनियन, एंड विल मेक श्योर कि अनियन अच्छे से ये तेल के साथ कुक भी हो जाए, एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि इसको बहुत गोल्डन ब्राउन या फिर एकदम कैरमलाइज नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वो अनियन जो है थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, थोड़ा सा कुक हो जाए, राइट? और देखिए मैंने जैसे कहा था आपको कि दिस इज नागपुर साउजी मसाला, राइट? इसकी रेसिपी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बाद में शेयर कर दूंगा। वैसे ही जैसे ये ड्राई है तो एक वेट वाला मिक्सचर भी होता है इसका, बट उसमें मैंने क्या किया, मैंने उसमें थोड़ी सी धनिया भी डाली है, और प्लस इसमें खसखस होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक साउजी करी के लिए बहुत एसेंशियल होती है, बहुत टेस्टी, एक खुद का एक फ्लेवर प्रोफाइल रिलीज़ करती है, तो इसको तो हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे। देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए हर इंग्रेडिएंट जो है वो धीरे धीरे अभी कुक होना शुरू हो गया है, अमेजिंग। इसको और थोड़ा सा एक सेकेंड कुक कर लेते हैं हम लोग। भाई मैंने इंदौर के पोहे तो बहुत सुने हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र जैसे ही, या फिर इवन गुजरात में पोहे का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, आई हैव हर्ड अबाउट इंदौरी पोहे, लेकिन और कौन से कौन से टाइप के पोहे होते हैं जो आपके विसिनिटी में, आपके शहर में या फिर आपके रीजन में खाए जाते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, बिकॉज आई वुड टू लर्न अबाउट दोज थिंग्स कि क्या क्या नया एक फॉर्म में पोहों को यू नो एन्जॉय किया जाता है। इंदौर के पोहे तो एवरग्रीन है, बहुत अच्छे होते हैं, आई हैव हर्ड अबाउट देम, बट वैसे ही और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पोहे खाए जाते हैं। देखिए अब मेरा जैसे ही ये अभी मुझे दिख रहा है कि अनियन ट्रांसल्यूसेंट होना शुरू हो गया, अब मैं इसमें वेट मसाला जो मेरा है, थोड़ा धनिया
और गीला, जो हमारा गीला होता है साउजी मसाला, इसको ऐड किया है। मैं दोनों ड्राई और गीला साउजी मसाला जो है इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अनदर मेन थिंग इज कि आपको इसको थोड़े से धीमे आंच पे रखना है और इसको फटाफट मिक्स कर लेना है। वाओ, अमेजिंग। ये जो अरोमा होता है ना, जो फ्रेशली ग्राउंडेड स्पाइसेस का होता है, बहुत अच्छा होता है। अभी इस पॉइंट पे जब हमने ये सब ऐड कर लिया, देन आई विल ऐड माय ड्राई साउजी मसाला इनटू दिस, फॉलोड बाय सम कोरिएंडर पाउडर, सम क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर। इसको एक बार एक जेंटल स्टर दे देंगे, और ऑफ कोर्स इसको मैंने लो फ्लेम पे रखा है। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अभी आप देखेंगे लाल मिर्च पाउडर मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ली है। इसका एक रीज़न है कि लाल मिर्च के सिवा उसको एक जो उसका स्पाइसीनेस वो भी नहीं आएगा और कलर भी नहीं आएगा तर्री को। तो आपको इसमें लाल मिर्च पाउडर तो डालनी ही है, बट आप आपको ये मेक श्योर करना है कि जैसे ही आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, आप इसका फ्लेम थोड़ा बंद ही कर देंगे तो भी अच्छा है, बिकॉज आपको जलाना नहीं है किसी भी चीज़ को। और ये होने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे चने जो मैंने भिगो के रखे थे और इसको बॉईल भी किया था। आपको इसको मिक्स करना है अच्छे से। और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन नागपुर के जो तर्री पोहे बनाने वाले एक्सपर्ट्स हैं उनको सबको पता है कि जब भी आप चने डालते हैं इसमें, आपको उसके साथ थोड़ा सा बेसन डालना है, क्योंकि बेसन से एक बाइंडिंग ऑप्शन भी आएगा, इसको बाइंडिंग कंसिस्टेंसी भी आती है, पर एट द सेम टाइम टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। ये भी मेरा तीखा जो है, लाल तीखा था, वो अभी जला तो नहीं है, तो आई अगेन स्विच ऑन द गैस, आई लेट ऑल दिस थिंग्स मिक्स। और अभी इसका शुरू होगा मेन प्रोसेस कुकिंग का। इसमें हमें डालना है अभी पानी और इसको बॉईल होने के लिए रख देना है, बस। देयर इज नथिंग दैट वी हैव टू डू नाउ। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम लोग बिफोर वी ऐड वाटर। नमक थोड़ा ज़्यादा इसमें क्यों जाएगा, बिकॉज इसमें पानी बहुत जाने वाला है अभी इस पॉइंट पे। इफ यू गाइस कैन सी हियर नाउ, देखिए आपको ऐसे पानी डालना है इसमें, और देखिए आपको एज इट इज इसका रेड कलर दिखना शुरू हो गया है। अब ये थोड़ी देर बाद जब अच्छे से कुक होगा तो ये एक ऊपर तर्री भी रिलीज करेगा और बहुत टेस्टी होने वाला है ये। तो मीन वेल हम क्या करते हैं, अभी हम पोहे बना लेते हैं हमारे, और इसको वहाँ पे मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे कुक होने के लिए रख देता हूँ। भाई चना पोहा की जो मज़ा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ वाई इज़ दिस सो नॉस्टैल्जिक फॉर नागपुर पीपल, इज़ बिकॉज हमारा बचपन, हमारा टीनेज, हमारे कॉलेज के डेज सब गए हैं चना पोहा खाने के। एक जो एक मज़ा आती थी हमें, हमारा एक जो ट्रांस होता था, सो उसमें हमारा वो पूरा टाइम गया है, एंड दैट इज़ वाई तर्री पोहा इज़ वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट। एंड सो आई थिंक कि नागपुर के सब लोगों के पास में भी होगा, वो बहुत लोगों के दिल के बहुत करीब होगा तर्री पोहा। सो अभी हम क्या करेंगे, आपने ये देखा होगा, देखिए मैंने टमाटर थोड़े से ऐसे रखे हैं जो मैंने करी में अभी तक ऐड नहीं किया, बट ये ऐड होंगे थोड़े कुछ एक या दो मिनट के बाद। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं पोहे बनाने से। तो मैंने पोहे भिगो के रखे थे यहाँ पे, ये भीग रहे हैं पोहे, तब तक हम शुरू करते हैं इसका प्रिपरेशन पोहों का। सबसे पहले थोड़ा सा तेल लेंगे। क्यों तेल कम लेंगे, बिकॉज अभी मुझे पर्सनली जो पोहे हैं वो थोड़े से बटर के साथ अच्छे लगते हैं, और अमूल बटर से अच्छा तो कोई बटर है नहीं हमारे पास,
So we'll just use some Amul butter and some oil. Perfect. देखिए पोहे तो पोहे होते हैं, बट पोहे भी ना ऐसे हो कि वो, अगर आपको नॉर्मली सिर्फ पोहे खाने हैं, तरी नहीं खानी है आपको, फिर भी वो पोहे बहुत टेस्टी होने चाहिए. अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज कि जैसे कमर्शियली अगर आप तरी पोहे खाने जाएंगे तो ऑब्वियसली बट नेचुरल है कि वो लोग पोहे को ज़्यादा एकदम पोहे को एकदम ऐसा बहुत अच्छे से कुक नहीं करते, उसमें ज़्यादा इंग्रीडियंट्स नहीं ऐड करते, बिकॉज तरी बाय इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा एक वेटेज कैरी करता है. बट पोहे भी जो है ना वो अगर आपके टेस्टी बन जाते हैं, सो यू कैन ऑल्सो हैव पोहे जस्ट लाइक द वे यू वॉन्ट देम प्लेन. अब मैं इसमें थोड़ा राई डाल देता हूँ, राई तड़क रही है. राई जैसी आपकी तड़क जाती है इसमें हम ऐड करेंगे हमारा कड़ी पत्ता. कड़ी पत्ते के सिवा तो आपको मज़ा ही नहीं आएगी पोहे की. हम डालेंगे थोड़ी सी मिर्च, और जब ये तड़कना शुरू करें तो समझ जाइए कि आपका एकदम बहुत परफेक्ट बनने वाला है. इसके फ्लेम को लो हीट पे ही रखिए ताकि वो ज़्यादा जल ना जाए. ये ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगा थोड़े से हमारे कोकोनट के थिनली स्लाइसेस. अब मैंने इनको बड़ा क्यों काटा है, बिकॉज उसका एक सिंपल रीज़न है, किसी किसी को शायद नारियल के टुकड़े पसंद नहीं है तो वो उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं जब उनको चाहिए तब. अगर अब मैं उसको बहुत फाइनली डाल देता तो शायद पूरे पोहे में उसकी टेस्ट आ जाती, और वो हमें नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल. देखिए अभी ये पूरा सब होने के बाद मैंने इसको बंद ही कर दिया है. अभी हम इसमें डालेंगे हमारे सेंगदाने. इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपको कुक कर लेना है. ये जैसे ही मुझे लगता है कि सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कुक होना शुरू हो गया, मैं इसमें ऐड कर दूंगा प्याज. प्याज जल्दी जल्दी कुक हो जाएगा अभी हमारा. में जाएगा थोड़ा सा आलू, आपको जितना चाहिए उतना ही लीजिए. जनरली मैं आलू को थोड़ा कम प्रेफर करता हूँ, वैसे टेस्ट तो बहुत अच्छी होती है आलू के साथ अगर कोई भी डिश बनती है तो. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर कुकिंग एवरीथिंग प्रॉपरली. अभी आप इसको फ्लेम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज अपने यहाँ हमने अभी इसमें थोड़ा आलू डाल दिया है, थोड़ा प्याज डाल दिया है. जस्ट वॉन्टेड टू बी ट्रांसल्यूसेंट. और ये बहुत टेस्टी बनेगा इंडियन. और जैसे मैंने कहा था कि पोहे का भी खुद का एक एलिमेंट जो होता है वो प्रिजर्व होना चाहिए. हम पोहे अगर सिर्फ नॉर्मल पोहे बना देते हैं सिर्फ प्याज डाल के तो वो मज़ा नहीं आता है. तो जैसे मैंने कहा था कि हर किसी की इच्छा होती है, किसी को अगर नहीं करी के साथ तीखा नहीं खाना है तो उनको जेंटली सिर्फ पोहे ही खाने हैं, तो फिर भी उनको पोहे का जो खाने का मौका है वो मिलना चाहिए. इसमें ऐड करेंगे मटर.
इसमें जाएगी हल्दी, थैंक यू अपर्णा जी, ये जो हल्दी डालने के बाद जो एक फ्रेग्रेंस आता है ना किसी भी डिश में, बहुत बेहतरीन होता है। इसमें बहुत कम तीखा डालेंगे, आप नहीं भी डालेंगे तो भी बहुत ठीक है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा तीखा डाल रहा हूँ बस, वैसे हरी मिर्च का तीखा तो इसमें है ही, प्लस इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, करेंगे मिक्स अच्छे से, मेक श्योर कि आपका जो लाल तीखा लाल मिर्च का पाउडर वो जलना नहीं चाहिए, इसलिए उसको सरफेस पे ना जाने दें। और जैसे ये हो जाता है, अभी हम सबसे आखिरी चीज़ ये करेंगे कि अभी इसमें हम जो हमारे भिगोए हुए पोहे हैं इनको ऐड करेंगे। मेक श्योर आपको इसको हाथ से सेपरेट कर ले, देखिए ये परफेक्टली भीग गए हैं और सेपरेट भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक लंब बन चुका है, बिकॉज इसको आप बहुत देर से अगर भिगा के रखोगे तो वो लंब भी बनने की एक पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए जब आप डालें तो थोड़ा हाथ से इसको सेपरेट करके डालें। गैस को मैं धीमे आंच पे रख देता हूँ और अभी हम इसको फटाफट मिक्स कर लेते हैं। आपको तब तक मिक्स करना है जब तक आपका यूनिफॉर्मली एक येलो कलर पूरे पोहे को नहीं आ जाता है। थैंक यू कमल जी जी, ये सुचित्रा जी इंडीड इट्स वेरी टेस्टी, और इसका फाइनल प्रेजेंटेशन आप जब देखोगे तो आप सच में प्यार में पड़ जाओगे, और डेफिनेटली आप नागपुर सबसे पहले आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4 बजे से सुबह चना पोहा का एक जो ब्रेकफास्ट है वो शुरू होता है, वो दिन भर चलते रहता है। सो दिस इसको आप बोल सकते हैं कि दिस इज द पैशन ऑफ पीपल फ्रॉम नागपुर, नागपुर के लोगों की ये पैशन होती है कि चना पोहा कब खाए कैसे खाए। देखे आपने, देखिए मैं गैस को ऑफ कर देता हूँ, यूनिफॉर्मली येलो, सब स्पाइसेस सब मिक्सचर्स इसमें हैं बाय इटसेल्फ, जिससे क्या होगा कि ये अगर सिर्फ नॉर्मली कोई खाना चाहे तो वैसे भी खा सकते हैं। मैं अभी लाता हूँ मेरी तरी को यहाँ पे, थैंक यू नसीम जी। यस इट इज नीड वेरी टेस्टी, और अभी आपकी जब आपकी करी थोड़ी सी हो जाती है लाल और थोड़ी कुक, तो इसमें हम डालेंगे हमारे टमेटोज के जो चॉप किए हुए वेजेस थे उनको, इसको क्या करेंगे हम अच्छे से कुक होने देंगे। वाह अमेजिंग कंसिस्टेंसी, तीखापन तो इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत तीखा रहेगा ये। आप चाहे तो इसको और थोड़ा पतला कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जैसे मुझे बहुत पतला भी पसंद नहीं है करी, बट देन इफ़ यू वांट कि आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा ठीक हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। अभी इस पॉइंट पे इस पे जाएगा फ्रेशली चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर, कोरिएंडर के सिवा तो ये डिश पूरी है, पूरी नहीं हो सकती है, आपको कोरिएंडर डालना ही है। सुचित्रा जी बोले ब्राउन कलर, थैंक यू सुचित्रा जी, ये कलरफुल भी है, नॉट जस्ट फॉर द आईज फॉर द टेस्ट बड्स एज वेल, आप इसको अगर खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये रेसिपी, बिकॉज दिस रेसिपी विल हैव एवरी टेस्ट, एक कंफर्ट टेस्ट भी रहेगा इसमें, बस एट द सेम टाइम फुलफिलिंग भी रहेगा, इंडियन टेस्ट बड्स के लिए तो बहुत परफेक्ट रेसिपी है ये। अब जैसे मैंने कहा था
कि जब नागपुर में जब तरी पोहा बनता है ना, सुबह से शुरू होता है, तो उसका प्रिपरेशन करने के बाद वो तरी उबलती ही रहती है। वो एक बड़े हांडे में होती है, धीरे धीरे कम धुन पे वो बनती रहती है, वो उबलती रहती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये दिन भर चलती रहती है। तो आप जब भी अगर चना पोहा खाने जाएंगे, आपको हमेशा तरी बहुत गर्म गर्म ऐसी एकदम स्टीमिंग वाली मिलेगी, बहुत टेस्टी होती है। और मैं आपको एक दूसरी स्पेशल चीज़ बता दूँ तरी पोहा की, इसको बस थोड़ा सा कुक होने देते हैं हम लोग, बस हो ही गया। परफेक्ट, थैंक यू हरप्रीत जी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लेटिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी प्लेट ले लेते हैं। हरप्रीत जी बोलिए, प्लीज रिपीट द रेसिपी। यस हरप्रीत जी, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, पोहे बनाए हैं। एक नॉर्मल वे से ही आपको पोहे बनाने, इसमें कुछ आपको अलग नहीं करना है, एक्सेप्ट मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने पोहे को बस नॉर्मल एकदम सिंपल ब्लांड पोहे के बजाय मैंने क्या किया है, इसमें हर कोई इंग्रेडिएंट डाला है जो एसेंशियल हो सकता है। इसमें सेंगदाने हैं, इसमें नारियल है, इसमें आलू है, प्याज है, और इसमें धनिया तो हमने ऊपर से डाला है। और हर चीज़ का एक केयर लिया है कि हर चीज़ का एक इंग्रेडिएंट जो होता है वो एक पोहे के साथ कल्मिनेट हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। तो ये है हमारे पोहे, और जैसे अब यह आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर का जो एक लेयर आ रही है देखिए तेल की, दिस इज़ कॉल्ड तर्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो डिश है इसमें हम असेंबली की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विल ऐड सम पोहा, जैसे ही मैंने पोहा ऐड कर लिया, वॉट द नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू इज आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि इसके साथ तरी जाए, और तरी के लिए एक मैंने एक छोटा सा एक कुआ बना लिया है। अब तरी लेने की एक टेक्निक देखिए आप लोग, यू ऑलवेज हैव टू यूज अ स्पून लाइक दिस वन, जो थोड़ा सा बड़ा हो। इसको तरी को हम कम कर देते हैं, प्लेट को एक हाथ में लेंगे, जो ऊपर की लेयर है जिसमें ज़्यादा आपको तेल मिलेगा, यू टेक दैट थिंग, सबसे पहले वो जाएगा हमारे पोहे के साथ। फिर हम जाएंगे नीचे, विल टेक सम चना, और ये सब होने के बाद सबसे आखिर में फिर से थोड़ी सी तरी डालने के बाद फाइनली विल ऐड वन पीस ऑफ टमेटो, एंड दिस इज आवर तरी पोहा अलॉन्ग विथ सम लेमन। अब इसके ऊपर डालेंगे हम, जो नागपुर में इसको देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, नागपुर में कच्चा चिवड़ा कहते हैं इसे। अब ये मोटे पोहे से बनता है तो भी चलता है, अगर पतले पोहे से बनता है फिर भी चलता है, बट देन वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो चिवड़ा हो आपका कच्चा चिवड़ा वो थोड़ा तीखा होना चाहिए, ये क्रंची एलिमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे डिश को, इसमें कोई कंजूसी नहीं। और नागपुर में आप किसी को भी पूछेंगे अगर कि भैया मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कच्चा चूड़ा चाहिए, कोई भी कंजूसी करेगा नहीं आपको, जितना चाहिए उतना कच्चा चूड़ा मिलेगा, ऊपर से तीखा उसके ऊपर सेव जाएगी, एंड अ वेज ऑफ लेमन ऑन टॉप इट ऑफ, एंड देयर वी गो, दिस इज आवर तरी पोहा। थैंक यू सुचित्रा जी। देखिए हर एक की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है,
किसी किसी को पोहे पे तरी ज़्यादा चाहिए होती है, किसी किसी को पोहे के साथ तरी जो होती है वो थोड़ी कम चाहिए होती है, चने ज़्यादा चाहिए होते हैं, किसी को चिवड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। सो इट्स अ रेसिपी विच इज़ परफेक्टली कस्टमाइजेबल, आपको जैसे चाहिए, आपके घर वालों को जैसे चाहिए, आप वैसे उस रेसिपी को बना सकते हैं। सो दिस इज़ द नागपुर्स टेक ऑन पोहा विच इज़ तरी पोहा, द फेमस डिश ऑफ नागपुर। आई होप यू गाइस लाइक दिस। आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मुझे बताइए बनाने के बाद कैसी लगती है। थैंक यू।